गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 12th का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है बाजार दर्शन। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पाठ का प्रतिपाद्य देख लेते हैं कि क्या है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुनाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक धमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सों किसागों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। अब पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओर लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की भी गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। जीरो पैसा पावर है परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर वह स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि जरूरत की। अब आगे देखिए, लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यह इच्छा जगाता है। आगे देखिए, हर आदमी को चीज की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। अब आगे देखते हैं। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी वस्तु छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं। यह सब चीजें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मतलब ये कि जब भी आप जाएं तो कोई जरूरत हो तभी आप बाजार जाएं। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा।
वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली करने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से पूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता, यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है, यानी बलपूर्वक बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्य पूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी आर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान होता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक आगे कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। आगे देखिए, अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती है वो, या बाजार के आकर्षण बुलाते हो, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। आगे लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है, जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं। वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाजार आपको तभी जाना चाहिए जब आप
कोई आवश्यकता हो, यानी जब आपकी आवश्यकता हो, आपको किसी सामान की, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तभी आप बाजार जाइए और वहां से उसी जरूरतमंद की चीज को खरीदिए और वापस आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाजार के जादू में फंस जाते हैं, बाजार के रूप में फंस जाते हैं और अपनी जेबें खाली करके चले आते हैं। तो इस तरह से आज हमने बाजार दर्शन नामक पाठ को पढ़ा और जाना। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे घर पर पुनः पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।